सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है श्री गणेश जी के द्वार, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पंचांग 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 11:03 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 9:29 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुराशि 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें। बात कहते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोलकर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना रोजमर्रा के तनाव से मुक्ति पाने का उत्तम साधन है और आपकी रुचि इन कार्यों में बढ़ती रही है। अगर प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी की कोई योजना बन रही है तो उस पर गंभीरता से विचार करें। आज के दिन आपके लिए अपने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि मिलने का हो सकता है। आप भौतिक आराम सुख सुविधा धन संपत्ति और जीवन में अच्छी चीजों को पाने में उम्मीद कर सकते हैं। यह ऊंचा उठने का समय है और अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के प्रयास शुरू करें। सफलता और धन दोनों ही कार्ड्स पर हैं, लेकिन किसी की बात का अपने स्वभाव पर अहंकार न आने दें, यह आपका नुकसान कर सकता है। सावधानियां, कहीं भी हस्ताक्षर या पेपर संबंधित कोई भी कार्य करते समय बहुत अधिक सावधान रहें। आपकी जरा सी लापरवाही बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकती है। आर्थिक गतिविधियां अभी मंद ही रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो आप जिससे अभी हाल फिलहाल मिले हैं उनके मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उस खास के मन में आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। हो सकता है कि सलाह देने वाला ही उसी के प्रति आकर्षित हो, इसलिए सावधान रहें और अपने ही अनुसार काम करें। हो सके तो उनसे बातचीत करने की पहल खुद ही कर लें। करियर की बात करें तो आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत है एवं आपको कुछ समय निकालने की जरूरत है ताकि आप अपने अतीत के अनुभवों पर विचार कर सकें। आप अपने अतीत का मूल्यांकन करें कि किस चीज को आपको बदलने की जरूरत है और किस चीज को ग्रहण करने की जरूरत है ताकि आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको अपनी खुद की क्षमताओं से न्याय करने की भी आवश्यकता होगी कि आपको उसी राह पर चलना है जिस पर आप पहले से चल रहे थे। सेहत की बात करें तो आपको अपने खाने की ओर तुरंत ध्यान देना होगा और बहुत अस्वास्थ्य कर खाना खा रहे हैं
और चाहे आपको यह अनुभव बेशक ना हो, लेकिन इससे आपकी सेहत काफी प्रभावित हो रही है। दरअसल आपके शरीर और मन में इकट्ठे हो रहे तनाव का मूल कारण जंक फूड है। जब तक आप अपने खाने का पैटर्न नहीं बदलते, आपकी रिलैक्सेशन की तकनीकें विशेष फायदेमंद नहीं होगी। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रहें। आपका दिन शुभ हो।